नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आईपीएल 2020 जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, कई तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं, जिसमें से सबसे हॉट टॉपिक है मांकड़ आउट। दिल्ली कैपिटल्स के कोच रिकी पॉन्टिंग ने हाल ही में बयान दिया था कि वो आर अश्विन को मांकड़ आउट करने की इजाज़त नहीं देंगे, क्योंकि ये खेल भावना के खिलाफ है। इसके बाद से ही इस पर बहस एक बार फिर से शुरू हो गई। अब इस मामले पर अश्विन ने भी ट्वीट किया है। भारतीय टीम के दिग्गज ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने सुझाव दिया है कि अगर दूसरे छोर का बल्लेबाज गेंद फेंकने से पहले क्रीज से आगे निकल जाए तो गेंदबाज के लिए फ्री बॉल जैसे नियम लागू होने चाहिए। वो हालांकि अपने रुख पर कायम है कि ऐसी स्थिति में बल्लेबाज को आउट करना गलत नहीं है। अश्विन ने पिछली बार आईपीएल में किंग्स इलेवन पंजाब और राजस्थान रॉयल्स के मैच में जॉस बटलर को इस तरीके से आउट किया था, जिसके बाद खेल भावना को लेकर सवाल उठने लगे थे। अश्विन ने हालांकि जो किया था वह नियमों के मुताबिक था। भारतीय विकेटकीपर और कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान दिनेश कार्तिक ने भी मांकड़ रनआउट को लेकर सवाल उठाते हुए कहा, नियमों के मुताबिक आउट होने के इस तरीके को खेल भावना या वीनू मांकड़ से जोड़ना गलत है। अश्विन ने कार्तिक की बात का जवाब देते हुए ट्वीट किया, गेंदबाजों के लिए फ्री बॉल लागू करें। अगर बल्लेबाज इस तरीके से गेंदबाज पर आउट होता है तो बल्लेबाज टीम के 5 रन काटे जाने चाहिए। अगर रोमांच बढ़ने के लिए फ्री हिट हो सकता है तो गेंदबाजों को भी एक मौका मिलना चाहिए। इस पर ऑफ स्पिनर ने भी कहा, हर कोई अब इस उम्मीद के साथ मैच देखता है कि आज गेंदबाजों की धुनाई होगी। अश्विन का सुझाव फ्री हिट की अवधारणा की तरह है, जिसमें गेंद फेंकते समय अगर गेंदबाज का पैर पॉपिंग क्रीज के आगे निकल जाता है तो उसके बाद वाली गेंद पर बल्लेबाज के पास आउट होने के डर के बिना अधिकतम रन बनाने का मौका होता है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 2020 के आईपीएल में क्या आर अश्विन को मौका मिलेगा तो वो क्या मांकड़ आउट करेंगे। आपको बता दें, आईपीएल की शुरुआत 19 सितंबर से होने वाली है, जो 10 नवंबर तक यूएई में ही खेली जाएगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।